दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। शब्दों की अभी आपको मैं आउटलाइन बना के बताऊंगा, उसके बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कृपया वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही अच्छे शब्द हैं, बहुत ही सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट शब्द लेकर आया हूँ। मैं उन्हीं शब्दों को लेकर आता हूँ जो अक्सर आपकी डिक्शनरी में प्रयोग किए जाते हैं, और प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप उन शब्दों को जानते हुए भी लिख नहीं पाते हैं और आपकी अक्सर गलतियाँ ज़्यादा आती हैं। तो आगे से आपकी ये गलतियाँ कम से कम आएँ और आप इन शब्दों को अच्छे से लिख पाएँ, डिक्टेशन भी आपकी पूरी लिख जाए। तो अभी मैं इन शब्दों को बना के बताऊँ उसके बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही अच्छे शब्द हैं। सबसे पहले है पुनर्गठन, इस तरह से लिखेंगे पुनर्गठन। इसके बाद में है विस्फोटकों, बहुत ही अच्छे शब्द हैं विस्फोटकों, टाकू वादा कर दिया विस्फोटकों। इसके बाद में है आतिशबाजी, इस तरह से लिखेंगे आतिशबाजी। आंकड़ा लगा दिया, स्नेह की मात्रा लगा दी, हो गया आतिशबाजी। इसके बाद में है लाइसेंस, इस तरह से लिखेंगे लाइसेंस। आगे है निर्मित किया गया है, प्लस बनाएंगे निर्मित किया गया है, हो गया निर्मित किया गया है। आगे है भगदड़, इस तरह से भगदड़। इसके बाद में है साफ इनकार करना, ऐसे लिखेंगे इसको साफ इनकार करना। इसके बाद में है वास्तुकला केंद्र, इस तरह से लिखेंगे वास्तुकला केंद्र, हो गया वास्तुकला केंद्र। इसके बाद में है जन्म स्थान, ये जा का आंकड़ा, ये माँ जन्म और ये स्थान, हो गया जन्म स्थान। इसके बाद में है सर्वसम्मति से फैसला दिया, इस तरह से बनाएंगे सर्वसम्मति से फैसला दिया, हो गया सर्वसम्मति से फैसला दिया। इसके बाद में है इतिहास गवाह है, इस तरह से लिखेंगे इतिहास गवाह, और ये है, हो गया इतिहास गवाह है। इसके बाद में अभूतपूर्व कहा जा सकता था, अभूतपूर्व कहा जा सकता है, यह अभूतपूर्व कहा जा सकता है। इसके बाद में है इसकी शुरुआत, इसकी का सब्जेक्ट इसकी और ये शुरुआत। इसके बाद में अवश्य हो सकती है, अवश्य का शब्द चिन्ह, अवश्य हो सकती और ये है, हो गया अवश्य और इसमें हा और इसमें शक्ति और ये है। इसके बाद में शांति और सद्भाव, इसको बनाएंगे इस तरह से शांति और सद्भाव। इसके बाद में है एकजुट होना है, तो बनाएंगे इस तरह से एकजुट होना है, ये हो गया एकजुट होना है। इसके बाद में है ऐतिहासिक फैसला, इसको इस तरह से लिखेंगे ऐतिहासिक और ये फैसला, ये हो गया ऐतिहासिक फैसला। इसके बाद में है गैर कानूनी ठहराया, इस तरह से बनाएंगे गैर कानूनी और ये ठहराया, ये हो गया गैर कानूनी ठहराया। इसके बाद में है संवेदनशील मामला, इस तरह से बनाएंगे संवेदनशील
संवेदनशील और ये मामला, ये हो गया संवेदनशील मामला, मामला का सब चिन्ह है। इसके बाद में है हमारा वैकल्पिक व्यवस्था, लास्ट में आएगा वैकल्पिक व्यवस्था, इसको इस तरह से लिखेंगे वैकल्पिक व्यवस्था, ये हो गया वैकल्पिक व्यवस्था। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आउटलाइनें आपको बना के बताई हैं, इन शब्दों की आप आउटलाइनों को अच्छी प्रकार से उतार लीजिए अपनी नोटबुक में और उसके बाद में इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में आसानी होगी और शॉर्ट हैंड की गति आपकी निश्चित ही बढ़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए